हाय हेलो, कैसे हैं? मजे में? चलिए, हम लोग एक्सरसाइज 13.1 पे थे। इसमें टोटल हमारे 32 क्वेश्चंस हैं, तो आज हम 19 क्वेश्चन किया था, 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, अपॉन, यहां लिमिट हमें दे रखा है एक्स टेंस टू कितना, आपका ए, और अपॉन में दे रखा है फिर हमें ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। ये हमें फाइंड आउट करना, तो इसको हम लोग कैसे करें? साइन ए एक्स अपॉन एक्स, हम एक्स से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हम लिखा जा सकता है साइन ए एक्स, हम सभी को डिवाइड कर देते हैं एक्स से, ऑल इट शुड बी रिटेन एज लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स होल अपॉन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स, ऑल आर डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहां पर ये एक्स कैंसिल, यहां पर ये एक्स कैंसिल, हो सकता है इजिली होगा, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी होल अपॉन ए प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिला। अब इसको हम लोग, क्योंकि ए जो है ना, इसमें से हम बाहर निकाल सकते हैं, ए अगर हम लोग बाहर निकालें तो ए से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा, ऐसे ही बी के लिए इसमें करेंगे, तो ये लिखा जा सकता है लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला मिला ना, यहां पर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, तो यहां पर भी ए एक्स चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, क्योंकि ए से यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड, प्लस बी होल अपॉन ए प्लस यहां पर बी इंटू साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स हो जाएगा। हम इसको ए से, यहां भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो सेम आ गया, यहां से बी कैंसिल हो जाएगा सेम आ गया, हम कर सकते हैं ऐसा। अब ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, ए साइन अगर है तो यहां तो लिमिट लेने की, ऑलरेडी हमारा लिमिट, अगर हम यहीं पे लिमिट ले लें तो ये लिमिट इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहां पर ए अपॉन ए दे रखा है, साइन का फॉर्मूला साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स होता है दे रखा है, ए एक्स हमारा फंक्शन है, तो ये हमारा बन जाएगा ए इंटू वन प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू वन, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन अगेन ए प्लस बी, दोनों सेम आ गया, दैट मींस ये हमारा क्या हो गया इज इक्वल टू वन इज आवर आंसर। हमें जीरो जीरो के फॉर्म से हटाना है बस, और आपको सबसे ज्यादा यही फोकस करना है कि गिवन नंबर जीरो जीरो के फॉर्म में ना आए। क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट हमें क्या दे रखा है एक्स टेंस टू वन, और फंक्शन है आपको कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब देखिए, इसको हमें चेंज करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अगर इसमें कोई डिनोमिनेटर है तो इसका मतलब हमारा वन होता है डिनोमिनेटर, कोई डिनोमिनेटर अगर गिवन नहीं हो तो वन इज आवर डिनोमिनेटर, और वन को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होल अपॉन वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होल अपॉन, एक त्रिगो में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो इस वन को हम लिख सकते हैं
cosec square x minus cot square x. Now this it becomes limit x tends to 1 cosec x minus cot x whole upon ye a square minus b square ka formula cosec x plus cot x aur dusre mein cosec x minus cot x. अब ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन, ये हमारा क्या बन गया, वन अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स. ये मिला और यहां लिमिट तो है हमारा एक्स टेंस टू वन. अगर हम एक्स टेंस टू वन है तो अभी न लेकर इसको एक स्टेप और तोड़ते हैं. लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन अपॉन ये कॉसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये लिखा जा सकता है इजिली, हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन, इनका लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर आ जाएगा साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, इस फॉर्म में आ गया वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स. अब हम अगर एक्स के बदले जो वन दे रखा है हमें, एक्स इज इक्वल टू वन हमें दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम एक्स को जीरो ले जाएं तो ये जीरो बन जाएगा. लिमिट जो है वो एक्स इज इक्वल टू हम जीरो लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन जीरो जीरो, जीरो और कॉस का वन, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन एक्स टेंस टू वन, एक्स टेंस टू वन है तो वन अपॉन कॉस लिया हमने, एक्स टेंस टू वन है या जीरो है, एक सेकेंड क्वेश्चन देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 21. ओहो हम गलती लिख रहे हैं, हमें जीरो दे रखा है, जीरो दे रखा है गलती से. चलो दिस इज इक्वल टू जीरो अपॉन वन प्लस कॉस जीरो इज इक्वल टू जीरो अपॉन वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया आंसर. तो यहां से हम लिमिट ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दे रखा है क्या, एक्स टेंस टू पाई अपॉन टू, लिमिट एक्स टेंस टू पाई अपॉन टू, और फंक्शन दे रखा है हमें टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई अपॉन टू, यानी कि यहां हम लिमिट नहीं लगा सकते, जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म में आएगा. अब देखिए पाई अपॉन टू है तो एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन टू प्लस एच, देन इफ एच टेंस टू जीरो, हम पाई अपॉन टू प्लस एच लिख सकते हैं जब एक्स को, तो ये टेंस करेगा एच हमारा जीरो की ओर, यानी कि जीरो जो जीरो बढ़ता जाएगा एक्स, यानी कि इसका मतलब हुआ और लिमिट एक्स टेंस टू पाई अपॉन टू, अगर ये लिमिट हमारा एक्स जो है वो पाई अपॉन टू की ओर अगर अग्रसर होता है, पाई अपॉन टू के तरफ जाता है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि एक्स टेंस टू जीरो के तरफ होगा, एच जो होगा वो हमारा जीरो की ओर होगा. अब हम लोग इसको फॉर्मुलेट करते हैं पाई एक्स के जगह पाई अपॉन टू प्लस एच लेके, इसको साफ करें. ये क्या बन जाएगा हमारा,
इसको अगर हम लेते हैं तो ये अपना बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, अगर लिमिट h में हमने लिया h फॉर्म में लिया तो h टेंस टू जीरो टेन टू पाई प्लस h, पाई अपॉन टू प्लस h होल अपॉन वन प्लस कॉस पाई अपॉन टू प्लस h, यही होगा जहां जहां x था उसके जगह पाई अपॉन टू h लिया है जब हमारा h हो गया क्या टेंस कर रहा है जीरो की ओर। अब देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया पाई अपॉन टू और टू, तो टू से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो टेन पाई प्लस h होल अपॉन वन प्लस कॉस पाई अपॉन टू प्लस एच, ये होगा हमारा। अब देखिए जब लिमिट इसमें हमें मिला टेन पाई प्लस टू, अच्छा टू से ये तो एच टू टू कैंसिल करेंगे तो यहां टू एच होगा, टू एच टू एच, और ये तो पाई अपॉन टू ही रहेगा अपना। अब इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग जाएं तो यहां पर हमारा क्या है कि पाई डिनोमिनेटर क्या था वन प्लस कॉस एक्स, ओहो एक्स देखो डिनोमिनेटर वन प्लस कॉस एक्स कहां से हो गया, ये मिस्टेक हो गया भाई, गलती हो गया, ऊपर वाले क्वेश्चन का आ गया, हो जाता है, हमें दिखाई कम दिया। चलिए ये तो हमें दे रखा है पाई एक्स माइनस एक्स प्लस पाई अपॉन टू माइनस पाई अपॉन टू, ये बन रहा है, ये कैंसिल हो गया और लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन टू टू कैंसिल हुआ तो यहां टू बन जाएगा टेन पाई प्लस टू एच होल अपॉन में यहां पर एक्स के जगह तो एच प्लस था, ये कैंसिल हो गया तो एच केवल बचा, अब एच को हम ले नहीं सकते, टेन पाई प्लस टू एच अपॉन एच ये हमारा मिल रहा है। अब हम लोग इसको बदल देते हैं टेन पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लाते हैं, टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, यानी कि ये हमारा बन जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन पाई प्लस थीटा यानी टेन टू एच अपॉन एच। अब टेन टू एच अपॉन एच है तो ये हमारा क्या होगा, अगर हम इसको टू से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें 2 अपॉन 2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो टेन टू एच अपॉन इस 2 को मल्टीप्लाई किया 2h हो गया इंटू 2। अब ये टेन 2h ये फॉर्मूला होता है 1 के बराबर, अब ये 1 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू लिमिट h, लिमिट लेने की अब जरूरत नहीं, लिमिट को ले लेते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट में आ गया तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू वन इंटू टू दिस इज इक्वल टू टू इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दे रखा है कि फाइंड द लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स, हमें वन का भी निकालना है और एक्स का भी निकालना है जबकि हमें दो दे रखा है फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन वाले हम लोग थोड़ा सा चेंज होगा जिसमें दो दो फंक्शन है तो उसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको 22 क्वेश्चन तक रिवाइज करना है, लेके आते हैं जल्दी ही पहुंचेंगे, और एक काम सब्सक्राइब, देखिए सब्सक्रिप्शन तो जरूरी है, जितने ज्यादा लोग होता है, आपने देखा होगा कि किसी को नेताजी जब भाषण देना होता है तो वो पहले देखते हैं कितना लोग इकट्ठा हो गया, जितने ज्यादा लोग इकट्ठा होता है उतना उनको मजे में भाषण देते हैं, बेशक झूठ भी बोलते हैं। हम लोगों को पढ़ने में क्या है कि पढ़ाई है, पढ़ाई तो किसी सबके लिए है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपका जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं,
जो हम में है वो मैं आपके पास पद दे सकता हूं, आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम भी लें, दूसरा दूसरों को भी कहें तू भी ले ले। इसलिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है और बार बार मैं भेजता रहूंगा ताकि आपको मिलता जाए, इससे आपको फायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ड्यूल टाइप के फंक्शंस होगा, और वो बनाते हैं अगले वीडियो में। बाय।